अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। आज हम अपने किचन में बहुत ही इजी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसमें आपने किसी भी चीज़ को कुक नहीं करना, जस्ट सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल तरीके से बनाएंगे पाइनएप्पल डिलाइट की रेसिपी। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैंडी बिस्किट ले लिए हैं। जितने भी आपने क्वांटिटी में बनाना है आप उस लिहाज से कैंडी बिस्किट की क्वांटिटी ले। मैंने 4 अदद कैंडी बिस्किट लिए हैं। एक देसी तरीका है, आप इसको हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल है तो आप चॉपर में कर लें, लेकिन आपने इसको ज़्यादा क्रश नहीं करना। अब जी हम क्या करेंगे, बिस्किट हमारे क्रश हो चुके हैं। अब किसी भी ट्रे में आपने जिसमें सर्व करना है उसमें आप ये बिस्किट क्रश हुए डाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम पाइनएप्पल का जूस डालेंगे। पाइनएप्पल का कैन आपको कहीं से भी इजीली मिल सकता है। और पाइनएप्पल के स्लाइस डालेंगे। आप जो हैं वो गोल स्लाइस की शेप में भी होते हैं, अगर आप क्यूब की शेप में लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह से हम इसके ऊपर ये स्प्रेड करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा इसके ऊपर जूस डालेंगे। जूस डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर असम्बल होने के लिए हम जो है रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, जस्ट 10 to 15 मिनट्स। अब यहाँ पे साइड पे आ जाएंगे सेकंड प्रोसेस की तरफ। तो इसमें मैंने 2 तरह की क्रीम ली है, एक मैंने डेरी उमंग की क्रीम और एक मिल्क पैक जो है वो व्हिपिंग क्रीम ली है। अब हमने क्या करना है, इसमें बिल्कुल 1 ड्रॉप जो है आपने वनीला एसेंस का और थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क ऐड करना है। अब इसको बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो इन केस आप जो अंडा बीट करने वाला स्पून होता है उससे अच्छे तरीके से भी बीट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं क्रीम अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था उसको निकाल लेंगे बाहर और इस तरह से हम क्रीम ऊपर डाल देंगे। अब हम रेफ्रिजरेटर में इसको रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे ठंडे होने के लिए। अब जी 3 to 5 आवर्स के बाद मैंने इसको निकाला है, अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुका है। अब आप इसमें जो है वो टॉपिंग के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट चिप्स हैं, थोड़े से स्प्रिंकल्स हैं और 2-3 मैं पाइनएप्पल के स्लाइस ऐड कर दूँगी। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही ईजी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं अचानक से तो आप झटपट ये रेसिपी बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।